हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? दिस इज राहुल उष्कर्म एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट चैनल, दैट इज पीआई राहुल। सो बच्चों, हमने अभी तक चैप्टर नंबर 11 क्लास 10th में जितनी भी लाइट की रिलेटेड चीज़ें थी सब पढ़ ली। अब एक्चुअली में हम ये देखने वाले हैं कि ये सारी चीज़ हम किसकी वजह से देख पाते हैं, ह्यूमन आई की वजह से ना। अरे भाई, जितने भी आपने रिफ्लेक्शन एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन वगैरह वगैरह जो भी आप लोगों ने देखा किया समझा, ये सब किसकी वजह से देख पा रहे हो आप? फील किसकी वजह से कर पा रहे हो? किसकी वजह से फील कर पा रहे हो? ह्यूमन आई की वजह से। तो इन सबका जो मेन जो बेस है वो क्या है? ह्यूमन आई। तो बेसिकली ये जो चैप्टर का स्टार्टिंग पोर्शन था, लेकिन हमने आपको बोला था कि कंटिन्यूटी बैठ जाएगी, इसलिए मैंने इस चैप्टर को, इस टॉपिक को सबसे लास्ट में लिया। तो एज आई प्रोमिस, मैं आपको अब ह्यूमन आई के बारे में बताने वाला। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं कि ह्यूमन आई बेसिकली चीज़ है क्या। सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके डिफेक्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो आते हैं बच्चों, ह्यूमन आई तो कुछ इस तरीके की आपकी ह्यूमन आई है। सर ऐसी तो नहीं होती हमारी आँखें, हमारी आँखें तो बड़ी गोल मटोल है सर, वो तेरी नीली नीली आँखें। सॉरी सर। अब देखो, मान लीजिए मेरा कोई स्टूडेंट है आप जैसा ही, इसकी ये मोटी मोटी आँखें, ठीक है, ये बात क्या बात है सर, क्या बात है? अब मान लो ये अच्छी आँखें, ठीक है। अब बच्चों सुनो, इनकी आपको आँखें कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, बोल हाँ या ना, क्लियर है? कुछ आँखें इस तरीके से दिखाई देती है। अब मैंने इस आँख को, ये आँख है आपकी एक्सटर्नल व्यू, या आँख का ये आई का कैसा व्यू है? एक्सटर्नल व्यू, क्लियर है बात को? एक्सटर्नल ले 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 व्यू मतलब बाहर से आँख कैसी दिखाई देती है। अब मान लो मैंने इसकी आँख निकाल ली, क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल, मैंने इसकी आँख निकाल ली, तो अंदर से जो आई का स्ट्रक्चर होता है ये है इनसाइड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, क्लियर है? तो अंदर से आँख कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। अगर देखो, आप लोगों ने कभी चीज़ आँखें ऑब्जर्व की होगी तो ये उभरी हुई दिखाई देती है। ये कैसी दिखाई देती है? उभरी हुई, यानी कि कौन के एक कॉनवेक्स शेप में दिखाई देती, देखो है ना। तो इस शेप को बोलते हैं बेटा कॉर्निया, इसे क्या बोलते हैं? कॉर्निया, ठीक है। इस शेप को क्या बोलते हैं? कॉर्निया। देखो मैं हर एक पार्ट का आपको व्यू दूंगा, हर एक पार्ट को आपको एक्सप्लेन करूंगा, हर एक पार्ट को आपको डिफाइन करूंगा उसकी वर्किंग क्या है, लेकिन बच्चों आपको नोट्स में अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो ये जो कॉनवेक्स पार्ट है, ये बाहर वाला जो पार्ट है, इसे बोलते हैं आप ह्यूमन आई के लिए कॉर्निया, क्लियर है? अब बच्चों होगा क्या, आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है कि किसी की आंखें नीली कलर की होती है, किसी की आंखें येलो कलर की होती है, किसी की ब्लू, किसी की ब्राउन, है ना। तो वो जो ब्लू ब्राउन आँखें होती है वो एक्चुअली में आँखें नहीं है, वो है आपके आइरिस। उसे क्या बोलते हैं? आइरिस। मतलब ये बच्चों कि ये जो आप कलर की बात करते हो ना, जैसे आपने देखा होगा कि तेरी आंखें ब्राउन कलर की है, तेरी आंखें ब्लैक कलर की है, तेरी आंखें ब्लू कलर की है, किसी की आंखें ग्रीन कलर की भी होती है, होती है ना। सर्वप्रथम हम लेंस लगाते हैं, लेंस ना लगाओ नेचुरली, ठीक है। तो वो कलर किसका होता है? आइरिस का। और आइरिस कुछ इस तरीके के स्फेरिकल शेप में होता है। तो ये जो आप आंखों का कलर बात कर रहे हो वो आंखों का नहीं होता है, वो आइरिस का कलर होता है। किसका कलर होता है? आइरिस का। बेसिकली आइरिस का कलर, आइरिस की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप किसी की आंख ब्लू कलर की देख पा रहे हो, किसी की आंख ब्लू कलर की देख पा रहे हो, इसका मतलब क्या? उसके आइरिस जो है, या उसका आइरिस जो है, वो सनलाइट के ब्लू कलर के पार्ट को, जिस सनलाइट के कितने कलर होते हैं? 7 कलर। तो उन 7 में से ब्लू कलर वाला जो पार्ट है उसे रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए आपको ब्लू कलर की दिखाई देती है। किसी की आंख आपको ब्राउन दिखाई देती है, किसी की आंख आपको ब्लैक दिखाई देती है, ये तेरी काली काली आंखें, ठीक है। तो उन सबका कलर कौन सा होता है? आइरिस। अब आइरिस का एक काम और होता है, वो जो आइरिस के अंदर एक ब्लैक कलर का होल होता है, जो आपकी आंखों में जो ब्लैक कलर की डॉट दिखाई दे रही है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। उस ब्लैक कलर के होल को बोलते हो प्यूपिल। क्या बोलते हैं उसे? प्यूपिल। उस ब्लैक कलर के होल को क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं।
तो यहाँ अगर डायग्राम की बात करूँ तो ये जो रेड रेड है ये क्या है, आयरिस है, ये क्या है, आयरिस। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ओ चलो मैं कॉर्निया को लिख देता हूँ यहाँ पे, और ये जो रेड कलर दिखाई दे रहा है बच्चों ये होता है आयरिस। क्लियर? अब आयरिस का तो समझ में आ गया। आयरिस के होल में, आयरिस के बिल्कुल मिडल में जो ब्लैक कलर की ये जो दिखाई दे रही है आपको, आपकी आंखों में भी देखो जो ब्लैक कलर की डॉट दिखाई दे रही है ना, वो होती है प्यूपिल। क्या बोलते हैं उसे? प्यूपिल। प्यूपिल का काम करता है, एक ब्लैक कलर का एक होल है, होल टाइप का वर्किंग है इसकी, होल है ये। अब ये होल क्या करता है बच्चों, सपोज दिस, इस केस में ये रहा प्यूपिल आपका, ये बिल्कुल होल है, ये जो होल है ना ये होता है प्यूपिल। अब इसका काम क्या होता है बच्चों, एक सेकेंड मैं कैमरा को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, क्लियर दिखाई देगा आई थिंक, या दैट्स ओके, अब ठीक है। तो इस प्यूपिल का काम क्या होता है बच्चों, जो सनलाइट आती है उसे ह्यूमन आई के अंदर एंटर करवाने का काम होता है। प्यूपिल का काम क्या होता है? सनलाइट को अंदर भेजने का काम होता है। तो प्यूपिल का काम क्या होता है, प्यूपिल का वर्किंग लिख लो चाहो तो, प्यूपिल लेट कम इनसाइड द सनलाइट, सनलाइट को अंदर भेजने का काम करता है, सनलाइट को अंदर, अरे ऊपर चला गया कैमरे का एंगल कुछ चेंज हुआ है। खैर मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, तो प्यूपिल का काम क्या होता है बच्चों, सनलाइट को अंदर भेजने का काम होता है। क्लियर है? अब जैसे ही सनलाइट अंदर आएगी इसकी इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, इसकी इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो सनलाइट की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो इमेज पीछे यहाँ पे बनती है, यहाँ पे इस जगह, और ये वाला पार्ट आपका कहलाता है रेटिना। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है बेटा? रेटिना। रेटिना बिल्कुल एक स्क्रीन की तरह काम करता है। जैसे अभी आपने लेंस पढ़े, जैसे आपने अभी मिरर पढ़े, तो उन सब में जो इमेज बन रही थी वो कहाँ, स्क्रीन पे बन रही थी। तो उसी वजह से ये रेटिना भी किसकी तरह बिहेव करता है, बिहेव्स लाइक अ स्क्रीन। मतलब हमारी जो भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रही है, मान लो मुझे ये कैमरा, ये बोर्ड, ये मार्कर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब मेरे आँखों में इस मार्कर की एक इमेज बनी, और वो इमेज कहाँ बनी? रेटिना पे। तो रेटिना जो काम करता है उसका काम क्या होता है? इमेज को प्रोड्यूस, इमेज बनाने का, इमेज विल फॉर्म एट रेटिना। तो इमेज कहाँ बनती है बेटा? रेटिना पे बनती है। हमेशा इमेज कहाँ बनेगी? रेटिना पे बनती है। अब देखो प्यूपिल ने काम क्या किया, लाइट को, प्यूपिल ने क्या किया, ह्यूमन आई में लाइट को अंदर आने दिया, और जैसे ही लाइट अंदर आई उसने रेटिना पे जाके टकराई और वहाँ पे क्या बना डाला? इमेज बना डाली। तो प्यूपिल आयरिस का काम क्या हुआ? अब देखो कभी कभी क्या होता है बच्चों, आप सडनली रूम से बाहर निकल के धूप में जाते हो, तो क्या होता है, आपको अचानक धूप लगती है, आपकी आँखें सिकुड़ने लग जाती है। इसका मतलब क्या होता है? ये जो प्यूपिल है ये अपनी साइज को छोटा करने का काम करता है। ये प्यूपिल क्या करता है? अपनी साइज को छोटा करने का काम करता है। उसी तरीके से जब बिल्कुल धूप हो, धूप से सडनली आप अंदर घने कमरे में आ जाओ, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, तो आपका जो प्यूपिल है वो अपनी साइज को बढ़ाने का काम करता है। और प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आयरिस। तो आयरिस की एक वर्किंग और है बेटा, आयरिस कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपिल। आयरिस क्या काम करता है? प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करने का भी काम करता है, कभी कम कभी ज़्यादा जब भी जरूरत पड़ेगी। तो वो काम कौन करता है? आयरिस। देखो आयरिस से बिल्कुल कनेक्टेड है, ये प्यूपिल, ये हो गया आपका प्यूपिल और ये हो गया आपका आयरिस। अब जैसे ही आपको मान लो कि इसकी साइज धूप में आए, धूप में आने के बाद क्या होगा, ये प्यूपिल छोटा हो जाएगा,
आ गए धूप से बिल्कुल अंधेरे कमरे में गए तो ये प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम करता है आयरिस उसकी प्यूपिल की साइज को कम ज़्यादा करने का, ठीक है। तो आयरिस का काम हो गया, प्यूपिल का काम बता दिया मैंने, रेटिना का भी काम हो गया। अब मुझे बताओ सर, एक्चुअली मुझे ये बता दो आप तो कि रेटिना में ऐसा क्या होता है कि इमेज हमें दिखाई देने लग जाती है। तो बच्चों रेटिना मिल के बना हुआ होता है फोटो सेंसिटिव सेल्स से या लाइट सेंसिटिव सेल्स। यहाँ पे जो ये रेटिना बना हुआ होता है ना, ये जो रेटिना बना हुआ है, ये रेटिना बना हुआ होता है लाइट सेंसिटिव सेल्स। जो रेटिना का जो स्ट्रक्चर होता है, जो रेटिना बना हुआ होता है वो लाइट सेंसिटिव सेल्स से मिलके बना हुआ होता है कि जैसे ही उन पर सनलाइट गिरेगी वो अपने आप को सेंसिटिव कर लेगी, ठीक है। तो जो जितनी भी आपके रेटिना के स्ट्रक्चर्स की सेल्स है वो किस कैसी होती है, लाइट सेंसिटिव होती है। अब जैसे ही लाइट हुई, लाइट यहाँ पर गिरी, वो आपको इमेज फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगी। और जो ये लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है ये कनेक्टेड होती है थ्रू द ऑप्टिक नर्व। ये लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑप्टिक नर्व से, ऑप्टिक नर्वस सिस्टम या ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड होती है। इससे क्यों, ऐसा क्या होता है सर, इससे क्या हेल्प मिलती है? इससे ये होगा बच्चों, अब देखो आपका दिमाग, आपका जो ब्रेन है वो लाइट सिग्नल को पढ़ नहीं पाता। आपका ब्रेन वर्किंग करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल पे, यहाँ आपके आया लाइट सिग्नल। तो ये ऑप्टिक नर्व क्या काम करती है, लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है, लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ चले जाते हैं, हमारे ब्रेन को चले जाते हैं। इस वजह से आपको इमेज दिखाई देने लग जाती है। देखो प्यूपिल से लाइट आई, लाइट आके कहाँ टकराई, रेटिना पे टकराई। रेटिना किससे मिलके बना हुआ था, लाइट सेंसिटिव सेल से। और ये लाइट सेंसिटिव सेल्स किससे कनेक्टेड थी, ऑप्टिक नर्व से। तो यहाँ का जो लाइट सिग्नल है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हुआ और कन्वर्ट होके कहाँ चला गया, हमारे ब्रेन पे चला गया। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब बच्चों एक बात, तो यहाँ सर ऐसे एयर होती है क्या, आयरिस या लेंस और इस कॉर्निया के बीच में कुछ नहीं होता? तो एक्चुअली में यहाँ एयर ना होके एक एक्वस जैसा मटेरियल भरा हुआ होता है, यहाँ पे कुछ मटेरियल भरा हुआ होता है बेटा, ये इस तरीके से कुछ मटेरियल भरा हुआ होता है। अब ये मटेरियल कैसा होता है, एक्वस मटेरियल होता है, इसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। इसमें क्या होता है बेटा, ये लगभग लगभग 99.98% तो वाटर और कुछ परसेंट इसके विटामिन होते हैं, जो क्या करते हैं आपके जो लेंस है ना, ये आई लेंस जिसे आपने आई लेंस बोला है, ये आई लेंस जो है इस आई लेंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करता है ये एक्वस न्यूट्रिय, और कुछ भी काम नहीं है। अच्छा एक बात और सर, एक बात बताओ, क्या रेटिना और पूरे सिस्टम के बीच में, इस रेटिना और पूरे सिस्टम के बीच में कुछ नहीं होता, ये खाली स्पेस है? तो बिल्कुल नहीं, ये खाली जगह नहीं है। इस पूरे इसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरे में एक ग्लासी मटेरियल भरा हुआ होता है, मतलब सॉलिड नहीं होता ग्लास की तरह, बट या इट इज़ ट्रांसपेरेंट लाइक अ ग्लास, जिसे बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल एक ग्लासी मटेरियल होता है, ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट होता है। ग्लास का, ग्लासी मटेरियल का मतलब ऐसा नहीं कि सॉलिड होता है, मेरी आँख बिल्कुल सॉलिड है, नहीं ये सॉलिड नहीं है, बट हाँ जैसे ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है ना, वैसे ही ये मटेरियल भी ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, अच्छा इसका काम क्या है, अगर ये मटेरियल नहीं होता तो क्या होता, ये आँख आपकी पिचक जाती है फुटबॉल की तरह। ठीक है, अब ये मटेरियल भरा हुआ है, इसका मतलब इसकी ये जो ह्यूमन आई है ये बॉल शेप को मेंटेन रखी हुई है,
बॉल शेप को मेंटेन करी हुई, जो ह्यूमन आई है देखो बिल्कुल एक बॉल की तरह शेप में दिखाई दे रही है, बॉल शेप में दिखाई दे रही है। क्यों? एक स्फेरिकल शेप में दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? वो इसी तरीके से दिखाई दे रही है। उसका रीज़न ये है विट्रियस ह्यूमन, जिसका काम सिर्फ इतना है कि इस ह्यूमन आई का जो स्फेरिकल शेप है, जो बॉल शेप है, उसे मेंटेन रखने का काम करे, बस इतना सा। ठीक है, दो ह्यूमर है, विट्रियस ह्यूमर एंड एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का काम क्या है? लेंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। दूसरी चीज, ये जो आई लेंस होता है बच्चों, अब देखो, अब ये वाला मार्कर मुझसे इतनी डिस्टेंस पे है, बताओ इसकी इमेज कहाँ बनेगी? सर रेटिना पे बनेगी। मार्कर और दूर लेके गया, बताओ इमेज कहाँ बनेगी? रेटिना पे बनेगी। और दूर लेके गया, बताओ इमेज कहाँ बनेगी? रेटिना पे बनेगी। और दूर लेके जाओ, कहाँ बनेगी? रेटिना पर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस आई लेंस से कहीं भी हो, इमेज कहाँ बन रही है? रेटिना पे बन रही है। तो लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली बात है इमेज की डिस्टेंस भी चेंज होनी चाहिए, लेकिन इमेज तो हमेशा रेटिना पे बन रही है। ये तो गलत पढ़ा दिया आपने। तो गलत नहीं पढ़ाया बच्चों, होता क्या है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, कहाँ लिखूँ यार जेका, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंस चेंज इट्स पावर इट्सेल्फ या ऐसा बोलते हैं, ये जो लेंस है ये यहाँ पे कनेक्टेड होता है बेटा सिलेरी मसल्स के थ्रू। ये जो मसल्स होती है ना जिससे लेंस कनेक्टेड है, इसे बोलते हैं सिलेरी मसल्स। ठीक है, तो सिलेरी मसल्स का काम क्या होता है? लेंस की साइज को, लेंस की पावर को कंट्रोल करने का। तो पावर चेंज इट्स पावर वाय सिलेरी मसल्स। ठीक है, तो सिलेरी मसल्स की हेल्प से वो अपनी पावर को चेंज करता है। अच्छा देखो सर, उससे क्या होगा? अरे भाई ऑब्वियसली बात है, मैंने तेरे को ये लिखवाया, पावर इज इक्वल टू 1/f, पावर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन लिखवाया यार। तो अगर पावर चेंज होगी तो फोकस लेंथ चेंज होगी, फोकल लेंथ भी चेंज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट भी चेंज हो रही है, तो आपका इमेज कहाँ फिक्स हो गया? रेटिना पे फिक्स हो गया। तो बच्चों ये जो अब लेंस ने ऑटोमेटिक लेंस को पावर को चेंज करने के लिए क्या कोई और आया? नहीं आया, लेंस ने खुद से ही अपनी पावर चेंज करी है। लेंस ने खुद से ही अपनी पावर चेंज करी है, किसको इस्तेमाल करके? सिलेरी मसल्स को इस्तेमाल करके। तो लेंस की यही एबिलिटी क्या कहलाती है? पावर ऑफ अकोमोडेशन, एकोमोडेशन पावर। यही एबिलिटी लेंस की क्या कहलाती है? एकोमोडेशन पावर। ठीक है, यही एबिलिटी लेंस की क्या कहलाती है? एकोमोडेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपके ह्यूमन आई, बस खत्म। तो देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ह्यूमन आई आपको डायग्राम यहाँ से नहीं बनाना है, मैंने बस समझाया है। डायग्राम आपकी नोटबुक में दिया हुआ है, तो आप नोटबुक से डायग्राम कॉपी कर सकते हैं, और आप खुद इन जितने भी मैंने आपको इसे पार्ट समझा दिए हैं, आप चाहे इनका खुद के नोट्स बना सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, आगे बता देता हूँ मैं। सबसे पहले बात करी हमने आइरिस की, और आइरिस के कलर चेंजिंग की। ठीक है, तो जो आपकी ह्यूमन आई का जो कलर होता है वो किसका कलर होता है? एक्चुअली में आइरिस का कलर होता है। फिर आइरिस के साथ ही कनेक्टेड होती है एक ब्लैक डॉट, या उसे हम होल भी बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं हम प्यूपिल। अब इस प्यूपिल या ब्लैक डॉट या होल का क्या काम है? ये लाइट को हमारी आंखों के अंदर आने, मतलब आंखों के अंदर एंट्री का काम करती है। ठीक है, तो लाइट को अंदर एंट्री देने का काम किसका है? प्यूपिल का काम है। दूसरी बात, प्यूपिल लाइट की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, यानी कम लाइट ज़्यादा लाइट के अकॉर्डिंग अपनी साइज को कंट्रोल करता है, यानी कभी कम भी कर लेगा, कभी प्यूपिल बड़ा भी हो जाएगा, कभी प्यूपिल छोटा भी हो जाएगा। और ये बड़ा छोटा करने का काम कौन करता है? आइरिस करता है।
ठीक है। तो आइरिस और प्यूपिल दोनों एक दूसरे के काम आने वाली चीज़ें हैं। जब सनलाइट अंदर आती है वो तो ऑब्वियसली बात है वो अपने कहीं ना कहीं इमेज बनाएगी। इमेज बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? स्क्रीन की। तो ह्यूमन आई में स्क्रीन का काम कौन करता है? रेटिना काम करता है, ठीक है। अब रेटिना किससे मिलके बना हुआ होता है? लाइट सेंसिटिव सेल्स से। किससे मिलके बना हुआ होता है? लाइट सेंसिटिव सेल्स से। तो ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू कनेक्टेड होती है। अब ये ऑप्टिक नर्व क्या बोला है? तो ऑप्टिक नर्व का काम ये है कि आपके लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके और उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को आपके ब्रेन तक पहुंचाने का काम, तो ऑप्टिक नर्व का ये काम कर देती है। दूसरी बात, अब बात करते हैं कि अगर हमेशा जो इमेज है, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, कितने भी डिस्टेंस पर हो, लेकिन इमेज जो है वो हमेशा रेटिना पे ही बनती है। क्यों भाई? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज हो रही है तो उसके रिगार्डिंग इमेज की डिस्टेंस भी चेंज होनी चाहिए। फॉर्मूला है 1/f = 1/v - 1/u, लेंस का फॉर्मूला चैप्टर नंबर 10 में, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है बच्चों, वो उससे क्या होता है, उसके लिए जो लेंस है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अपनी पावर को कम या अपनी पावर को ज़्यादा करता है। अब पावर चेंज होगी तो ऑब्वियसली बात है फोकल लेंथ चेंज होगी, फोकल लेंथ चेंज होने से आपका वो बैलेंसिंग होना ज़रूरी है। अब इसकी जो ये चेंजिंग है लेंस की पावर का, अपने ऑटोमेटिकली पावर कम करने पावर ज़्यादा करने की जो टेंडेंसी है उसे बोलते हैं एकोमोडेशन पावर, ठीक है। और ये किसकी वजह से किसकी हेल्प से कर पाता है? ये सिलेरी मसल की हेल्प से कर पाता है। दूसरी चीज, इस पूरे में दो ह्यूमर्स होते हैं, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रियस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का काम क्या होता है? इस लेंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। और विट्रियस ह्यूमर का काम क्या होता है? ह्यूमन आई को एक बॉल एक स्फेरिकल शेप में मेंटेन रखने का काम करता है, ठीक है। तो ये थी बच्चों आपकी ह्यूमन आई। आप चाहें तो अपने किसी फ्रेंड की आँख निकाल के और आराम से उसको देख सकते हैं। तब तक के लिए अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आई डिफेक्ट। तब तक के लिए आप किसी की आँख लेके आएँ, प्रैक्टिकल करें, चीज़ नहीं समझ आती कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ऑल दी बेस्ट।